आज हम इस वीडियो में प्रतिशत पढ़ेंगे जिसका अंग्रेजी होगा परसेंटेज। एक्सरसाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भाग दो, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुलदीप की कमीज की नाप लेते समय गलती से दर्जी ने 2 मीटर के स्थान पर 2.2 मीटर कपड़ा मांगा। उसके द्वारा मांगे गए अधिक कपड़ों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है जी, यानी कहने का मतलब यह है कुलदीप की कमीज की नाप लेते समय गलती से दर्जी ने 2 मीटर के जगह पर 2.2 मीटर कपड़ा मांगता है, तो कितना पर से कपड़ा अधिक मांगता है निकालना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं, अधिक कपड़े बराबर हो जाएगा, अधिक कपड़े बराबर 2.2 माइनस 2, 2.2 में से 2 घटाएंगे तो 0.2 मीटर क्या हो जाएगा जी, अधिक कपड़े हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अधिक कपड़े का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 0.2 × 100 / कपड़े की लंबाई कितना है जी, 2 मीटर है, तो बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 100 में भाग करेंगे 50 भाग फल आ जाएगा, 50 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 1 अंक के बाद 2 दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद 2 दशमलव बैठाएंगे तो 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी, अधिक कपड़ों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपये में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य बताएं। क्वेश्चन है, एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपये में खरीदता है, तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है जी, माना कि घड़ी का वास्तविक मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस एक्स का 20% बराबर 2800 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स का मान गुणा हो जाएगा 20% का मतलब बटा में 100 बराबर 2800। ठीक है, 20% 100 कट जाएगा, एक्स माइनस एक्स बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 2800 हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बटा 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा बराबर 2800। 4 से भाग करेंगे 2800 में, भागफल कितना आ जाएगा जी, 700 आज हो जाएगा। ठीक है, नीचे बटा में 1 मानेंगे
तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, एक्स में एक से गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा, और 700 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3500 रुपये हो जाएगा। क्या? घड़ी का वास्तविक मूल्य। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2.5 को 2.5% को लघुत्तम भिन्न में बदलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2.5% को लघुत्तम भिन्न में बदलें। तो 2.5% में है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे जी, 100 से भाग करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2.5/100 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 25/1000। 25 से भाग करेंगे 1000 में, भागफल कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/40 आंसर हो जाएगा, जो लघुत्तम भिन्न में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन के पास 600 रुपये थे, उसने 15% पुस्तकों पर, 20% कपड़ों पर और 25% खाने पर व्यय किए, तो बताएं कि अब उसके पास कितना धन बचा। ठीक है जी, तो कुल 20% हो जाएगा, कुल 20% बराबर हो जाएगा 15% प्लस 20% प्लस 25%। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा जी, 60%। ठीक है, इसीलिए बचत प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 60 घटा लेंगे तो 40% हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बचत बराबर हो जाएगा 600 का 40%। ठीक है, 600 का मैंने गुणा हो जाएगा 40%, मतलब बटा में क्या हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। क्या? बचत आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये शेष बचे, उसके पास आरंभ में कितना धन था ये निकालना है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया और शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये शेष बचे, तो उसके पास आरंभ में कितना धन था। मान लेंगे, यानी माना कि आरंभ में धन बराबर 1 रुपये। ठीक है, खोने वाली धन बराबर क्या हो जाएगा जी, x का 20%, x का मैंने गुणा हो जाएगा 20%, मतलब बाटा में 100, यानी 20/100
100 कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 1/5 रुपया, इतना धन क्या होता है जी, हो जाता है। इसीलिए शेष धन बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, शेष धन बराबर हो जाएगा x-x/5। तो x-x/5 जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4x/5। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शेष धन का 25% खर्च करता है, शेष धन का 25%, यानी शेष धन कितना है, 4x/5 का 25%। ठीक है, तो 4x/5 का मान गुणा हो जाएगा 25, अब 25 मतलब बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है जी, 4 से 4 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 4x/5 -x/5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 480 के बराबर हो जाएगा। तो 4x/5 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा, बराबर 480 हो जाएगा। ठीक है, 3 से घटाएंगे 480 को, तो भागफल क्या हो जाएगा जी, 160 हो जाएगा। नीचे बटा में 1 मानेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ 160 में 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा जी, 800 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरंभ में धान भाव क्या हो जाएगा, 800 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 80 का कितना प्रतिशत 48 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 80 का कितना प्रतिशत 48 है। तो 80 का कितना प्रतिशत 48 है, तो इसको क्या करेंगे, 48/80 और उसमें क्या करेंगे जी, 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 8 दहाइयां 80, 8 छक 48, 10 से भाग करेंगे 100 में तो 10 दहाइयां 100 कितना हो जाएगा जी, 10 × 6 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 60% आंसर हो जाएगा, जो 80 का 48% 48 होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।